तो गाइस मॉर्निंग में स्किन इतनी प्यारी कैसे लग सकती है, और आई थिंक आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। तो लेट्स क्विकली मैं आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, चलो चलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय कविराज टीवी व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो अब हम अपना स्किन केयर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये गुलाब जल में मैंने चावल का राइस वाटर डाला है, तो ये मैंने अपने फेस में अप्लाई कर लिया है और ये सूख भी गया है बहुत ढंग से। सीरम, क्योंकि टोनर मैंने एज अ ये यूज़ कर लिया, बट या सीरम हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये है सीरम गाइस, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना अपने फेस में। अब सीरम हम लोग इसमें वापस रख लेंगे, और जब तक हमारी सीरम थोड़ी सी हमारे स्किन में लगे, और तब तक हम लोगों को क्या करना है, अपना वैसलीन पकड़ना है, वैसलीन अपने लिप्स में। इज इट परफेक्ट? तो अब हमें क्या यूज़ करना है, देखो स्किन हमेशा ग्लोइंग और अच्छी होनी चाहिए। सो गाइज, अभी मैंने थोड़ा सा कैमरा फिर से चेंज कर लिया है, बैक कैमरे से मैं शूट करूँगी। और कल ही मेरा जिस मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन आया है, और एक्चुअली अभी तक मैं मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन डॉट इन की लगा रही थी। अब ये मैं जब घर चली जाऊँगी ना, उस टाइम पे यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ गर्म है। तब तक के लिए हम मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन लगाएंगे, और मुझे ये सनस्क्रीन से लिटरली प्यार हो चुका है। ऐसे इसका इतना सॉफ्ट पैकेजिंग है, आराम से खुल जाएगा। ओ माय गॉड, और मैं अभी जिस रूम पे ही हूँ, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, और इतना इनफ है। ठीक है, डू कॉमेंट अगर आप लोग घर पे होते हो तो आप कौन सा स्किन केयर प्रेफर करते हो। बस एक टोनर मार के अपने फेस में अपने स्किन हाइड्रेट कर लेते हो, या फिर आप भी इतने से, मैं तो कभी कभी मेरा मूड अच्छा नहीं होता है तो मैं नहीं करती, टोनर मार के छोड़ देती हूँ। और जब भी मुझे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, तो ही मैं ज़्यादातर मतलब सारे प्रोडक्ट इकट्ठे यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं टोनर और सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, और इतना ताम झाम नहीं होता मेरे से। आईब्रो फिलर हो गया है ना, मुझे तो आईब्रो फिलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आईब्रो फिल कर लूँगी। थोड़ा सा चाहिए होता है, और इसको हम ब्रश से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ अपने मिडिल फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, प्यारी सी कोई लिपस्टिक का शेड लेना है, और आपको थोड़ा सा ब्लश लेना है, थोड़ा सा। आज तो मेरा मुंह पूरा तोतला होते जा रहा है। एंड आपने ब्लश को ऐसे चीक्स में आप अप्लाई कर लो, ठीक है, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे लिप्स अभी मना कर रहे हैं कि लिपस्टिक मत यूज़ कर, बट स्टिल मैंने कर लिया है, कह लो, ठीक है। ओके, वाओ, मैं बता नहीं सकती, मैं नेचुरल बड़ी प्यारी लग रही हूँ, बट इन द कैमरा आई डोंट नो कि अजीब सा क्यों आ रहा है। और या जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, शुड आई क्लोज द
दिस वी कैन चेक आउट आउटसाइड, बाहर जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और गाइज, आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर, मॉर्निंग केयर, नाइट स्किन केयर, सारे स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपनी डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड एंड ये सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आपको बाहर जाके अपनी स्किन कर दिखाती हूँ। कुछ और यहाँ का मौसम, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मेरा भी स्किन केयर हुआ है और यहाँ पे से मेरे बैग में से। सो गाइज, अभी मेरा जस्ट अमेजन से पार्सल आया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे अमेजन से पार्सल क्या आया है। ये मैंने मंगाया है छोटा सा ट्राईपॉड, क्योंकि मेरा ना बड़ा वाला ट्राईपॉड टूट गया था। और कुछ नहीं आया इस डब्बे में, बाकी के दो सामान तो आए नहीं है, वो जो ट्यूब वगैरह मैंने मंगाई थी। और ये मैंने मिला उसका, मैंने फिर से सनस्क्रीन मंगाया, मेरा ख़त्म हो गया था तो देखते हैं सनस्क्रीन कैसा। पहले मैं ना ट्राईपॉड देखती हूँ, ट्राईपॉड कैसा लगा आज आपको? अच्छा, आपने देखा नहीं, दिस इज समथिंग, इसको पकड़िए आप, इससे बनाइए। सो गाइस, ओके, आई थिंक दिस इज वेरी लो क्वालिटी वी कैन से। मैं दिख रही हूँ कैमरे में, देखना जरा एक बारी, पास से मत लेके आओ प्लीज। सो गाइस, बहुत चीप क्वालिटी का है और ठीक है। अगर आपको हैंडी चाहिए, जैसे मेरे पति ने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप मेरे लिए इतना सा ट्राईपॉड लो और उसके बाद मैं तुम्हारी फिल्मिंग करूँगा। हाय गाइस, आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा से। हाय गाइस, आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा से। हाय गाइस, आज से मेरे पति जी मेरे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, ठीक है। एंड जिन जिन्हें मेरा व्लॉग लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मेरे पास मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट भी आया है और बाकी दो प्रोडक्ट तो अभी तक आए नहीं, और अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मेरे साथ कुछ स्कैम हो चुका है। इसके अंदर से वो निकालना जरा, एक और SPF सनस्क्रीन है हमारा। गाइज, ये देखो मेरा ये ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एक डब्बा मेरे घर पर ख़त्म हो गया, दो डब्बे वहाँ, और ये अभी चौथा डब्बा है मेरे पास। मिनिमलिस्ट मुझे स्पॉन्सर कर दे कृपया कर, मैं आपके इतने सनस्क्रीन लिए जा रही हूँ। बट अच्छा है, और मैंने इसका रिव्यू बता दिया गाइस, ये ठंडों के लिए बहुत अच्छा है ये वाला सनस्क्रीन, और गर्मियों के लिए डॉट इन की का सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, जो भी मुझसे पूछ रहे थे। और ये ट्राईपॉड भी, राज आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये ट्राईपॉड पकड़ के व्लॉगिंग करने में? एक मिनट मुझे दिखाना ज़रा। सो गाइस, यार ये तो बहुत लूज है, आई थिंक ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो 300-400 का है, 400-500 का ऐसे कुछ है। ये हिल क्यों रहा है इतना? सीरियसली, 100 का सामान है ये। हाँ, ये ऐसे हिल क्यों रहा है, ये हिल क्यों रहा है इतना? ये देखो, ये इसमें तो बिल्कुल ही वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, जान मेरा। अभी धूप जा चुकी है गाइस। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। और आज ही व्लॉग डाल बना रही हूँ और अभी जस्ट मैं पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि नो मोर डिले, बी कंसिस्टेंट, ठीक है, लेट्स सी। और गाइस, एक बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।